उन्हें मैंने जोड़ लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक जो कविताएं आपने पढ़ी, जो पद्य भाग आपने पढ़ा, वो चाहे अवधी भाषा में होगा, ब्रज भाषा में, अलग अलग अपनी भाषाओं में होगा, पर ये वो भाषा है जो सदियों पहले इस भारत में बोली जाती थी, आम बोलचाल की भाषा थी, जिसे आज समझना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि आज व्यवहार में वो भाषा नहीं है। पहली बार आप ऐसी कोई कविता जो पढ़ने वाले हैं जो शुद्ध हिंदी में लिखी गई है। देखिए पहले मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 30 मिनट ही है, 30 मिनट के सेशन में हमें इसे पूरा करना होगा, इसलिए सीधे में जो पाठ है वो आपका हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन, इस बच्चन शब्द से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे, क्योंकि बच्चन आते ही दिमाग में कहीं अमिताभ बच्चन आ जाता है। परंतु आप यदि साहित्य के यदि आप विद्यार्थी हो तो अमिताभ बच्चन के नाम से हरिवंश राय बच्चन की पहचान कभी भी नहीं हो सकती है, इस बात को उतना ही ध्यान रखना। हरिवंश राय बच्चन के नाम से अमिताभ बच्चन की पहचान हो सकती है, पर जिन लोगों ने सिर्फ अमिताभ बच्चन को देखा है तो हो सके कि हरिवंश राय बच्चन को उनसे जोड़े, चले वो अपनी जगह सही भी हो सकता है। दो तीन चीजें, सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय, मैंने शॉर्ट में कवि परिचय का लिख दिया है। जन्म इनका 1907, लगभग 27 की उम्र करके इनकी मृत्यु हुई थी। प्रमुख छायावादी कवि, इस चीज को समझ लीजिए, छायावादी कवि। छायावाद हिंदी साहित्य का एक काल था, एक ऐसा समय जिस समय रहस्यवाद पर आधारित, एक ऐसा ईश्वर जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता है, उसके ऊपर आधारित कविताओं का बोलबाला था। उस छायावादी धारा के प्रमुख कवि जैसे महादेव वर्मा थे, सुमित्रा नंदन पंत थे, और हरिवंश राय बच्चन और राम कुमार वर्मा, ये प्रमुख के चार उनके कवि थे, उनमें से हरिवंश राय बच्चन एक प्रमुख थे। और फारसी कवि उमर खैयाम, फारस के कवि उमर खैयाम, उनकी कविताओं से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हाँ, जो एक फारसी कवि है उमर खैयाम, उनके जीवन से प्रभावित होकर उन्होंने हरिवंश राय बच्चन ने किताब लिखी थी मधुशाला, और मधुशाला उस कविता को उन्होंने मंच पे गाया था और एक लंबी एक काफी लंबी कविता की तरह ही है। और उस जमाने में मंच पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाला कोई कवि था तो हरिवंश राय बच्चन, मतलब उन समय के उन्हें हरिवंश राय बच्चन को कुमार विश्वास कहा जा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि कई लोगों ने इनकी कविताओं को समझने के लिए, ऐसे कई विदेशी थे जिन्होंने हिंदी सीखने की कोशिश की थी, और उस हरिवंश राय बच्चन की उस मधुशाला कविता का जो ओरिजिनल मूल पाठ है वो मैंने आपको यूट्यूब लिंक से भेजा भी है। आप ऐसे कोई यदि हरिवंश राय बच्चन को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो 30 मिनट के उस ऑडियो वीडियो में सिर्फ 5 मिनट के लिए आप सुन लेना। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अगले 25 मिनट हरिवंश राय बच्चन को जरूर सुनोगे, क्योंकि कभी भी किसी भी कवि को समझे भी ना, उसकी रचनाओं के साथ कभी भी इंसाफ नहीं किया जा सकता है। इनकी प्रमुख कविता लिखिए मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुलंतर, आकुलंतर, इसके अलावा और भी कविता है, रचना है इनकी, कृतियां है जिनके बारे में आप किताबों में भी देख सकते हो। इन्होंने आत्मकथा भी लिखी, और इनकी आत्मकथा पढ़ने का मौका मिले जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे कवि आत्मकथा लिखते हैं तो ये लगते ऐसे लिखते हैं कि जिससे कोई भगवान ने अपनी जीवनी लिख दी, परंतु इनके साथ ऐसा नहीं था। इन्होंने अपने जीवन में जो भी घटा खुल के लिख दिया। उनकी कविता 4 भागों में बांटी हुई है। पहला भाग है क्या भूलू क्या याद करूं, दूसरा है दीप का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सौपाकर। इनकी जो आत्मकथा के 4 मूल भाग है, आप इसे किसी को पढ़नी हो तो उसका दूसरा भाग तो अभी मेरे पास अवेलेबल है। उसका पहला भाग सॉरी क्या भूलू क्या याद करूं, ये आप चाहे तो मुझसे ले सकते हो, परंतु अभी कोरोना टाइम में आपको आ जा नहीं सकते, इसलिए घर पे ठीक हो आप। अब इस कविता के मैंने 5 पद लिखे, कितने 5 पद, 5 पद शुद्ध हिंदी में लिखे हुए, इसके मैंने कोई शब्दार्थ नहीं लिखे, जरूरत ही नहीं पड़ी, अर्थात कि जो लिखा है जो शब्दों पे जाओगे
तो इस कविता को शायद आप कभी भी समझ नहीं पाओगे, आप इन शब्दों के साथ इंसाफ भी कर पाओगे। देखिए हमेशा ध्यान रखना कि कवि की अपनी विवशता होती है कि एहसास के जिन चरम पलों पे जाके वो अपनी कलम चलाता है, अर्थात कि कोई कवि जब लिखने बैठा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है और शब्द क्या लिख रहा है। तो जो शब्द लिख रहा है वो तो समय के साथ वो शब्द ही हमारे पकड़ में आएंगे, पर जिस समय कवि ने उस कविता को लिखने के लिए उसके एहसास जो चल रहे थे, उस एहसास और इमोशंस को जो पकड़ लेगा वो भावार्थ है। हम क्या करते हैं कि शब्दों पे जाके अटक जाते हैं, शब्दों पे जो व्यक्ति अटकेगा वो किसी भी कविता के मर्म तक नहीं पहुंच पाएगा, उसके दर्द तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। ये कविता है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय का मतलब होता है खुद से परिचय। देखिए हमने यदि खुद को जान लिया होता तो हम आज खुदा हो गए होते। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को जानना। हम चांद को जान लिया, हमने मंगल ग्रह तक पहुंच गए, हमने ब्रह्मांड की जितने भी रहस्य उन सब को उजागर कर लिया, सबको हमने खोज लिया, पर एक ब्रह्मांड हमारे मन के अंदर है, एक पूरा संसार हमारे मन के अंदर है जिसे हम कभी भी जान नहीं पाए। और यहां तक जानने की तो बात दूर रही, उस जानने की कभी हमने कोशिश भी नहीं की। इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि वो जानना ही अपने आप में क्योंकि वो अपने आप को जानना ही दैट्स आत्मपरिचय। उसे कहते हैं खुद का खुद से परिचय। काश ऐसा होता कि हम लोग जान पाते, क्योंकि इस सृष्टि में कुछ उंगली पे गिने जाने वाले लोगों ने खुद को जाना है। तो यहां कवि ने आत्मपरिचय के बारे में, अर्थात कि वो अपने आप के अपने खुद के बारे में बता रहा है, उसपे अपने उसके निजी एहसास भी है। और अमूमन जो कवि लिखता है उसके अपने खुद ही उसकी पर्सनल फीलिंग होती है, अपने खुद के जज्बात होते हैं। देखिए पहला बात, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने जग जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। सीधी खड़ी बोली में लिखी गई कविता है। मैं आपको कहूं तो इसके अर्थ बताओ तो आप भी चारों की चारों लाइन वापस लिख दोगे, और चारों की चारों लाइन को वापस लिखने का मतलब मूल पाठ को रिपीट करना है, वो भावार्थ नहीं हुआ। शब्दों को पकड़ना, देखिए एक एक करके। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, जग जीवन संसार रूपी जीवन, ये संसार है अपने आप में पूरा एक मुकम्मल जीवन है। हम व्हाट वी डू इन अवर लाइफ, अपनी जिंदगी में करते क्या है। आप देखिए एक नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो बलखाती हुई पहाड़ों से गिरती हुई शोर करती हुई, और जब मैदान में उतरती है तो बिल्कुल शांत हो जाती है, और जब वह सागर में मिलती है तो अलग अलग हिस्से करके अपने अपने डेल्टा बनाकर वो सागर में विलीन हो जाती है, और उसके पानी का रंग रूप सब सागर में मिल जाता है। अर्थात कि एक जीवन काल में नदी कितने रूप धारण कर लेती है। ठीक यही हमारे जीवन के साथ भी होता है। ये पूरा संसार है, या जैसे कहते हैं कि ये अपनी पूरी जिंदगी है, जो अपना जीवन है वो वही पूरा संसार है, या जो संसार आपको दिख रहा है वो आपके जीवन का प्रतिबिंब है, दैट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ। यहां पर कवि कह रहा है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। सबसे पहले मुझे तकलीफ इस मैं से, मैं आई, जब किसी रचना में आई मतलब मैं आ जाता है, तो इसका मतलब हम कहीं कहीं उस अहम की पुष्टि कर रहे कि यार आई एम समथिंग, बट वेन एवर आई थिंक दैट वी आर नथिंग, पर हम एक्चुअल में है कुछ नहीं। यहां पर कवि उस मैं से कसते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, अर्थात कि मैं संसार रूपी जीवन का भार लिए फिरता हूं। देखिए इस जीवन को भार कहा है, थोड़ा समझना इसे। देखिए जो चीज आप ढोओगे वो भार बनेगी बनेगी। आप हल्का सा भार, एक किलो का भार लेके भी यदि आपको चलना हो तो बहुत आसान है आपके लिए, पर एक किलो का भार यदि लेके आपको कहे कि आपको 200 किलोमीटर चलना है तो वो एक किलो का वजन भी आपको एक क्विंटल के बराबर लगेगा। वो वजन नहीं बदला है, वो भार नहीं बदला है, वो तो एक किलो ही है, पर परिस्थितियां बदल गई है। यहां पर जीवन अपने आप में भार है। ठीक है, जीवन अपने आप में भार क्यों है, क्योंकि हमने जीवन की शर्तों को हमारे कंधों के ऊपर हमने थोप रखा है। जीवन भार क्यों बनता है, देखिए किसी भी परिंदे का जीवन भार नहीं,
किसी पक्षी को आपने रोते हुए नहीं देखा होगा, किसी परिंदे को आपने बिलखते हुए नहीं देखा होगा, किसी पक्षी को आप भूख और प्यास से मरते हुए नहीं देखा होगा। कहने का मतलब ये है कि पक्षी और हमारे बीच में यही फर्क है कि पक्षी ने अपने जीवन को कभी बाहर लिया ही नहीं, क्योंकि उसने अपने जीवन की शर्तों को कभी अपने ऊपर थोपा ही नहीं। जब एक्चुअल में होता क्या है कि जब जिंदगी से हमारी बहुत सारी डिमांड्स होती है, एक जीवन भार नहीं है, भार उसे हम बना लेते हैं, क्योंकि जिंदगी से बहुत सारी हमारी डिमांड हम कर बैठते हैं, हमारी इच्छा ऐसी जो खत्म होने का नाम लेती है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो इसका मतलब उस समय वो जीवन भार लगने लगता है। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है नवजात, एक दो तीन महीने का, चार महीने का, फिर साल भर का, दो साल का, जब तक वो समझदार नहीं हुआ है तब तक उसकी जिंदगी स्वर्ग है, कहते हैं वो खुदा है, ईश्वर है। पर जब वह छोटा बच्चा भी जिंदगी की शर्तों को अपने ऊपर लादने लग जाता है, तब वो जिंदगी उसके लिए क्या बनने लगती है? भार बनने लगती है। हमारी जिंदगी हमारे ऊपर भार इसलिए बन रही है क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को अपनी जिंदगी के ऊपर थोपा हुआ है। जिंदगी हर इच्छा को पूरी नहीं कर सकती है, इसलिए ये जीवन हमें क्या लगता है? भार लगता है। तो मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूं, इसलिए कभी कहता है कि मैं इसे संसार रूपी जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिर रहा हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। प्यार का मतलब वो लव वाला, ये वाला कोई प्यार नहीं है। प्यार का मतलब वो हर अच्छी चीज जो जीने के लिए जरूरी है, दैट्स लव। इसका इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेना। कवि कह रहा है कि जीवन अपने आप में मुझे एक भार सा लगता है, फिर भी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर मैं घूम रहा हूं, चाहे वो प्यार हो, चाहे स्नेह हो, चाहे ममता हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे किसी भी प्रकार के रिश्ते नाते के हो। क्योंकि देखिए, जिंदगी हमेशा सिक्के के दो पहलू के रूप में आएगी, आइदर इट विल बी हेड और इट विल बी टेल, या तो हेड होगा या टेल होगा, बीच में जिंदगी कभी खड़ी नहीं रहती है, देयर विल बी नेवर बैलेंस। जिंदगी का पलड़ा कभी इस तरफ झुकेगा, कभी इस तरफ झुकेगा, झुकना उसे है। क्योंकि जिंदगी का मतलब ये है कि वो अति के दोनों सिरों पे जाकर वो जिंदगी हमेशा जी जाती है। क्योंकि हम बैलेंस बना के जिंदगी जिए तो महावीर और बुद्ध बन जाए, कृष्ण बन जाए, पर हम ऐसे बन नहीं पाए कभी, क्योंकि जिंदगी में बैलेंस हमने रखा नहीं कभी। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं संसार रूपी इस जीवन रूपी भार को लिए घूमता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर भी जो जीवन एक भार है, उस भार स्वरूप जीवन में भी कुछ तो ऐसा है जिसने मैंने वक्त के हाथों बचा लिया है और जिसे मैं लेकर घूमता हूं, अर्थात कि उसके सहारे में अपनी जिंदगी को काट रहा हूं। कर दिया किसी ने चक्र जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, सांसों के तार, अर्थात जीवन रूपी वीणा। इसे थोड़ा समझना, ये थोड़ी जिसे कहते हैं कि रोमांटिक किस्म की पंक्तियां हैं, पर रोमांटिक का मतलब इसमें रोमांस नहीं, थोड़ा इसे समझ लीजिए। क्योंकि आज की पीढ़ी बहुत ज्यादा जबरदस्त कॉपी पेस्ट वाली है, शेरो शायरी वाली है, वो किसी भी चीज को अदरवाइज लेने में टाइम नहीं लगाएगी। यहाँ पर देखिए, कर दिया किसी ने चक्र जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। देखिए, जिंदगी में कितनी भी नेगेटिविटी क्यों नहीं आए, जिंदगी कितनी भी नकारात्मक क्यों नहीं, जिंदगी में कितनी भी काली अंधेरी रातें क्यों नहीं, फिर भी कहीं कहीं उम्मीद की किरण रहती है। वो उम्मीद की किरण ही क्या है? सांसों के दो तार। यहां पर किसी प्यार और मोहब्बत की तरफ भी सिर्फ इशारा नहीं है, इशारा तो उसकी भी तरफ है, पर सिर्फ उसकी तरफ नहीं है। कवि कह रहा है, कर दिया किसी ने जंगल जिनको छूकर, जो जिंदगी एक भार स्वरूप है, पर इस भार स्वरूप जिंदगी में भी कुछ पल ऐसे आते हैं, जो ऐसे पल जो हमारे मन की वीणा के तारों को छेड़ जाते हैं, जंकृत कर जाते हैं, छू जाते हैं, और उस छूना उनका वो स्पर्श, वो एहसास, वो पल, वो लम्हा, वो ऐसा होता है कि जिसके सारे भार स्वरूप उस पूरी जिंदगी को काटा जा सकता है। अब इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए, एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको। बहुत समय पहले, आज से एक महीने, एक साल पहले सलूमर से मैं जब मेरे गांव टोकर आ रहा था, बीच में बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और इतनी गर्मी थी, 2:30 बजे का समय था, 40-45 डिग्री से ज्यादा तापमान था, और मैं अब क्या करूं, पेट्रोल मिलेगा, 5 किलोमीटर आगे मिलेगा, गाड़ी को घसीटना जरूरी था, मुंह पे कपड़ा बड़ा बांधा हुआ था, कोई पहचान नहीं पा रहा था, और गाड़ी को धक्का देके ला रहा था। ये गाड़ी को धक्का देके लाना मतलब क्या, मुझे लग रहा था कि ये गाड़ी बाहर बन गई, जीवन बाहर है, पर जैसे थोड़ी गाड़ी मैंने 100 मीटर के आगे आसपास ले गया होगा, अचानक एक व्यक्ति ने जो
मुझसे ओवरटेक करके आगे निकला, उसने गाड़ी रोकी, पलट के वापस आया, उसने कहा कि भाई साहब क्या हुआ? मैंने कहा कि पेट्रोल खत्म हो गया, 5 किलोमीटर आगे कहीं पर गांव में पेट्रोल मिलेगा। तो उसने क्या किया कि पेट्रोल मेरे पास से निकाल के दे, तो मैं लेने के लिए उस पेट्रोल को लेने के लिए कुछ था नहीं, तो व्यक्ति गाड़ी से उतरा, उसने इधर उधर देखा, पास में कहीं पॉलिथीन की थैली से मिली, उस थैली को उसने बहुत अच्छे ढंग से साफ किया, पेट्रोल निकाला और थोड़ा पेट्रोल मुझे दे दिया। वो एक क्षण, एक मूवमेंट, आप समझिए, उस व्यक्ति से मुझे कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, परंतु उसका वो सब करना जिसने इसे छू लिया, जिसने दिल के तारों को छेड़ दिया। क्योंकि जब एक समय लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि अरे क्या यार गाड़ी जिंदगी बाहर है, तब उसी समय अचानक कोई इस प्रकार से आता है और हमारे दिल के तारों को छू जाता है। इसका मतलब ये नहीं क्योंकि प्रेमी प्रेमी प्रेमिका के दिल के तारों को छू, लव बी लव वाला, वो वाला मैटर यहाँ नहीं है, अर्थात की जिंदगी जब भी बाहर स्वरूप लगेगी, ऐसे बाहर स्वरूप जिंदगी में भी कुछ पल ऐसे आएंगे, उन पलों में कुछ व्यक्ति ऐसे आएंगे जो आपके दिल के तारों को छेड़ जाएंगे और शायद एक प्रकार से मुकम्मल रूप से पूरी जिंदगी जीना वो सिखा देंगे। वही बात यहाँ पर एक कवि कर रहा है। अब दूसरा देखिए, दूसरा मैसेज, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कबीर जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया फिरता हूँ। कवि क्या कह रहा देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, स्नेह सुरा का मतलब स्नेह रूपी मदिरा, शराब, एक शराब बाहरी तत्व जिसे पीने के बाद हम मदमस्त हो जाते हैं, द आउटसाइडर, जो बाहर की कोई चीज हम ले रहे और जिससे नशा छाता है, परंतु एक शराब वो होती है जो हमारे मन के जड़ों में, हमारे मन की कंदराओं में, हमारे मन के अंदर हमेशा बहती रहती है, वो होती है स्नेह सुरा। क्योंकि जो किसी के स्नेह में डूबा हुआ शब्द भी, किसी के स्नेह में डूबा हुआ आचरण भी आपको उतना ही पसंद कर देगा जितना कि लोग शराब पीकर या मदिरा पीकर वो हो जाते हैं, एक प्रकार से नशे युक्त हो जाते हैं। तो ये कवि कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात कि संसार में मुझे जितना भी स्नेह मिला उसी स्नेह को पीने का काम मैंने किया है, अर्थात कि जहां पर मुझे लगा कि नफरत है उसे मैंने छोड़ दी, और जहां पर लगे कि जीवन में स्नेह है उस पूरे स्नेह को मैंने अपने जीवन में धारण कर लिया। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, कवि कह रहा है कि मैं संसार का कभी ध्यान नहीं करता हूँ। एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, द अदर इज द हेल, जो दूसरा है वो नरक है। व्हेनेवर जब हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब ये कि हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं, हम अपनी आइडेंटिफिकेशन खो लेते हैं, हम अपना परिचय खो देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब तक आपका मन है जो आउटसाइडर बाहरी दुनिया की तरफ आपकी निगाहें जब तक दौड़ती रहेगी, तब तक आप अपनी मन की अंधेरी गुफाओं के अंदर, मन के अंदर अपने अपने अंदर जो पूरा संसार है उस संसार की तरफ कभी भी निगाह डाल के नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पर कवि कह रहा है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात कि मुझे संसार के से खास कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संसार मोस्टर देखा जाए तो मतलब ही है, अपने हाल में रहने वाला है, उसे किसी की कोई फिक्र नहीं है, पर ऐसे संसार की फिक्र यहाँ पर कभी भी नहीं कर रहा है। जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, देखिए संसार सिर्फ उन्हीं को पूछता है जो संसार की चापलूसी करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, आपको अच्छा वही रखेगा जिसकी आप चापलूसी करते हो, और जिसकी चापलूसी नहीं करते हो आपको लगता है कि ये हमसे दूर है। देखिए चीजों को ध्यान रखना, दो प्रकार के लोग होते हैं, या तो आपकी चापलूसी को स्वीकार कर लेंगे, दूसरे वो होंगे जो आपकी चापलूसी को स्वीकार नहीं करेंगे, बच के रहना उन लोगों से जो आपकी चापलूसी को स्वीकार कर लेते हैं, और कोशिश करना उन लोगों को अपना बनाने की जो आपकी चापलूसी के चक्कर में नहीं पड़ते। क्योंकि जो दूसरों की चापलूसी के चक्कर में नहीं पड़ते इसका मतलब वो व्यक्ति अपने आप में कहीं कहीं स्थिर है, उसके अंदर जो है वो लेने लायक है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, ये संसार तो सिर्फ उन्हीं के बारे में पूछता रहता है जो कि संसार की चापलूसी करते रहते हैं, संसार का गुणगान किया करते हैं। और यहाँ पर कवि कह रहा है मैं अपने मन का गान किया फिरता हूँ, कवि कह रहा है कि पर नहीं, मुझे दूसरों के लिए गाना नहीं, क्योंकि दूसरों के लिए गाना तो मैंने कब से छोड़ दिया, सिर्फ मैं गा रहा हूँ अपने मन के लिए, अपने खुद के लिए।
बीरबल के दरबार में एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ था जिसके बारे में आपने सुना होगा, नाम था उसका तानसेन, बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। अब वो ऐसा संगीतज्ञ था कि जिसके बारे में कहा जाता था कि उससे बढ़कर इस धरती पे कोई संगीतज्ञ नहीं। तो एक दिन अकबर ने कहा कि यार तानसेन तू इतना अच्छा गाता है, तो जिस गुरु से तूने सीखा होगा वो कैसा गाता होगा। तो तानसेन ने कहा कि सम्राट मेरे गुरु की तो जाने दीजिए, मेरे गुरु जी किसी के लिए गाते ही नहीं, वो अपने लिए गाते हैं, नाम था उनका हरिदास। तो एक दिन अकबर जिद पकड़ बैठ गया कि नहीं तुम्हारे गुरु का गाना सुनना है मुझे, उनका संगीत सुनना है। तो बीरबल ने तानसेन ने कहा कि वो अपनी मर्जी से गाते, वो तो कभी रात के 2 बजे उठ के गा लेंगे, 2:30 बजे गा लेंगे, कई कई दिनों तक गाएंगे नहीं, गाएंगे तो कई दिनों तक लगातार गाते रहेंगे। पर बीरबल के मन में आया कि नहीं, जब तानसेन जिसे व्यक्ति को सुना है जिसे गुरु को सुनना होगा, एक दिन हरे अपने हरिदास जी का जो आश्रम था कुटिया थी वहां पर ले गए, गंगा नदी के किनारे कुटिया थी। अकबर लेके गए तानसेन को, देखा वहां पर गए, रात 2:30 बजे तक इंतजार किया, उस दिन हरिदास जो गुरु थे उन्होंने नहीं गाया। अकबर ने इच्छा नहीं छोड़ी, अगले दिन फिर गया, 2:30 बजे तक जगते रहे, बिल्कुल चांदनी रात थी, चांद आकाश में चमक रहा था, सितारे चमक रहे थे, गंगा नदी का पानी चमचमा रहा था। और अचानक 2:30 बजे हरिदास जी की नींद उड़ी, गुरु की उनका जो तंबूड़ा होता है वीणा होती है उसे लेकर गंगा नदी के किनारे आ गए और उस सुर के साथ गाने लगे। और जब वो गा रहे थे उस समय उस संगीत को सुनकर सम्राट अकबर की आंखों में आंसू जल रहे थे। और फिर सम्राट ने कहा उस तानसेन से कि तेरा तो संगीत सुना तूने मेरे लिए गाया, पर संगीत तो हरिदास जी आपके गुरु का है जिसने खुद के लिए गाया, इतना बड़ा फर्क क्यों। तो तानसेन ने जो एक लाइन बोली जो यहाँ सटीक बैठती है, उसने कहा कि मैंने तो सोने की असरफियों के लिए गाया, मैंने तो आपके लिए गाया, मेरा स्वार्थ था, मुझे तो आपसे कुछ लेना था इसलिए गाया, परंतु मेरे जो गुरु हरिदास जी है उन्होंने तो खुद के लिए गाना शुरू कर दिया है, अब वो संसार क्या है जग क्या है वो जग के लिए गाना उन्होंने बंद कर दिया है। और जो व्यक्ति खुद के लिए गाना शुरू कर लेता है, जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को साक्षी मानकर खुद के लिए जीना शुरू कर लेता है, उससे बेहतर भी कुछ नहीं हो सकता है, और ये पवित्र संगीत शायद वही की देन है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है मैं अपने मन का गान की करता हूँ, अर्थात कि अब सिर्फ मैं मेरे मन के लिए गाता हूँ, दुनिया के लिए या दुनिया की चापलूसी के लिए गाना मैंने छोड़ दिया है, अब जो गा रहा हूँ मैं अपने मन के लिए गा रहा हूँ। और इसलिए कवि कहता है कि ये जिस दिन से मैंने अपने खुद के लिए गाना शुरू कर दिया उस दिन से मुझे चारों तरफ स्नेह और प्रेम ही प्रेम नजर आने लगा है। अब देखिए इसका तीसरा, मैं निजपुर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज मतलब निजपुर का मतलब निज का मतलब खुद, पुर का मतलब हृदय, मैं निजपुर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निजपुर के उपहार लिए फिरता हूं, हे यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। इसमें 2-3 चीजें बहुत अच्छी कही है कवि ने, मैं निजपुर के उद्गार लिए फिरता हूं, अर्थात की मेरे मन में मेरे हृदय में जो है, मेरे हृदय में ऐसा जो मेरे हृदय की उत्पत्ति है, मेरे मन की उत्पत्ति है, जो मेरी उत्पत्ति है, उन विचारों को लेके उन उद्गारों को लेकर मैं फिरता हूं, अर्थात कि मैं उदार के विचार नहीं लेता हूं। देखिए मोस्ट ऑफ जितने भी पंडित होते जो शास्त्र वगैरह पढ़ जाते हैं वो उदारी लोग होते हैं, वो इधर उधर का पढ़ के क्या करते हैं कि वो दुनिया के सामने वापस से रिक्रिएट करते हैं, वो कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कवि यहाँ कह रहा है कि मेरे मन के अंदर जो है, मेरे मन के जो एहसास है, मेरे अपने जो जज्बात है, उन जज्बातों को लेकर मैं फिरता हूँ, मैं निजपुर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरे हृदय ने जो मेरे पास है, अर्थात कि आपके पास देने लायक क्या है। देखिए उपहार का मतलब ये होता है किसको दिए जाते हैं, आपके पास है देने लायक क्या, आप कुछ भौतिक चीज दोगे, ये उठा के ये चीज दे दी ये लो, वो आपका है ही नहीं, वो पहले से ही यहाँ था, आपके जाने के बाद भी रहेगा, आपका अपना मौलिक क्या है। तो यह कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में जो पल रहा है, जो मेरे अंदर जो पल रहा है, वही एक्चुअल में दुनिया के लिए मेरा उपहार हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ भी दूंगा तो वो उपहार तो हो ही नहीं सकता है, वो तो मेरा अपना है ही नहीं, वो तो यहाँ पर धरती पे पहले ही था और मेरे जाने के बाद भी रहेगा। पर एक जो चीज है आपकी अपनी है, जो न तो पहले थी न कभी आपके बाद होगी, वो है आपके अंदर पलने वाले आपके एहसास। तो कवि कह रहा है मैं निजपुर के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात कि मेरे हृदय में जो पल रहा है
उनके उपहार ये संसार को देने के लिए जो मेरे विचार है उनको लेकर मैं फिरता हूँ। हे या पूर्ण संसार न भाता मुझको, ये विडम्बना सबके साथ होगी। ये संसार अपने आप में आधा अधूरा है, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। ये संसार है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, ये संसार अपने आप में आधा अधूरा है क्योंकि हम अपने आप में आधे अधूरे हैं। देखिए कभी बाहरी दुनिया आधी अधूरी नहीं होती है, ये जो बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके आपका अपना प्रतिबिंब है, इट्स ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आप इसे बाहर मत देखो, कभी कह रहा है कि ये जो बाहर जो संसार दिखाई दे रहा है वो आधा अधूरा है, वो आधा अधूरा हो सकता है पर वो आपके मन का प्रतिबिंब है, आपके बाहर का नहीं है। यह पूर्ण संसार न भाता मुझको, और ये आधा अधूरा संसार मुझे ठीक नहीं लगता है, कभी क्या कह रहा है। और आधी अधूरी चीज वैसे भी लगती किसको अच्छी, क्योंकि हम खुद पूरे अपने आप में मुकम्मल होना चाहते, पूरे होना चाहते। एवरीबडी वॉन्ट टू बी हियर परफेक्ट, नोबडी वॉन्ट टू हियर इम्परफेक्ट, कोई अधूरा नहीं होना चाहता है। हे या पूर्ण संसार न भाता मुझको, ये संसार अपने आप में जो आधा अधूरा संसार है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सपनों का संसार भी फिरता हूं, इसलिए मैंने एक अपना संसार बसाया है मेरे अपने ख्वाबों में। देखिए हम सपने देखते क्यों है, सपने देखने की सिर्फ एक ही वजह होती है कि जो चाह वो कभी पाया नहीं, और जो हमने पाया है उसे हमने कभी चाह ही नहीं था। यदि जो चाहते वो सबका सब हमें मिल जाए तो फिर सपने देखने की नौबत ही नहीं आए। आपकी अधूरी आधी अधूरी इच्छाओं का न पूरा हो पाना ही सपने हैं। आप रात की अंधेरी रातों में सपने देखते हो, सपने वही होते जो दिन में आप जो कर नहीं पाए उसे आप अपने स्वप्नों में पूरा कर लेते हो। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि ये संसार अपने आप में आधा अधूरा है, और आधे अधूरे संसार को मैं पूरा करने के लिए क्या करता हूँ, मैं स्वप्नों में संसार ले पीता हूँ, अर्थात कि अपने ख्वाबों में के साथ संसार बसाता हूँ, और जो आधे अधूरे संसार का मेरा जो दर्द है उस मेरे ख्वाबों में बसे हुए संसार से मैं उसे क्या करता हूँ, मैं पूरा कर लेता हूँ। इसलिए निदा फाजिल ने गजल भी कही थी, हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। हर व्यक्ति को अपने अपने जमीन की अपने अपने आसमान की तलाश है, पर अफसोस की ये कि कुछ के हिस्सों में जमीन आएगी और कुछ के हिस्सों में आसमान, दोनों जिसके हिस्से में दोनों आ जाए समझ लीजिए कि उसका संसार पूरा हो गया। पर इससे बहुत ही कम और अपवाद वाले लोग ही होते हैं, बाकी तो वही आधे अधूरे हम सब अपने आप में हैं। इसके बाद है देखिए नंबर चार, आशा चौथा ही होगा, मैंने पांचवा लिख दिया पर मेरे हिसाब से चौथा ही होगा। मैं जला हृदय में अग्नि, देखिए समझिए, मैं अगला है मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, जग भव सागर तैरने को नाव बनाए, मैं मन मोजों पर मस्त बहा करता हूं। इसे थोड़ा समझ लीजिएगा आप अच्छे ढंग से, कवि कह रहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि, जला हृदय में अग्नि अर्थात कि मैं अपने हृदय में आग को जलाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कोई पेट्रोल डाल के माचिस लगा के आग जला दी, ये सिंबल है, प्रतीक है, हिंदी प्रतीकों भी चलती है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं अपने मन को जलाता हूं, मैं अपने हृदय को जलाता हूं। हृदय कब जलता है, जब कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती है, जब कोई आपके पास अभाव हो, सामने अन्याय हो रहा और आप उसका मुकाबला नहीं करोगे तो आपका दिल जलेगा। यदि कोई चीज आपकी और कोई आपसे छीन के ले जा रहा है तो आपका दिल जलेगा। आप अपने आप से झूठ बोले और पकड़ में आ गए हो तो आपका दिल जलेगा, अर्थात कि हर वह चीज जो गलत होती है या आपके सामने साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब कहीं कि आपका मन क्या होता रहता है, तब जलता रहता है। इस चीज को थोड़ा देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, अग्नि की तरह मैं अपने मन में जलता रहता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। ये बहुत मुश्किल काम है कि मैं चाहे सुख हो चाहे दुख हो मग्न रहा करता हूं,
देखिए हमारे जीवन में हम दुखी हैं, इसकी बुनियादी वजह सिर्फ यही है कि हम संभाव में नहीं रहते हैं। देखिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम सुखी सुख के दिन होते हैं तो हम बंदर की तरह गुलाटियां खाने लगते हैं, और जब हमारे दुख के दिन होते हैं तो किसी बंद कमरे के किसी कोने में जोर जोर से रोने लगते हैं। दुख में बहुत जोर से रोना भी आती है, सुख में बंदर की तरह गुलाटियां खाना और अपने आप को प्रदर्शित करना भी आती है। पर ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें न तो सुख में कोई फर्क पड़ता है न दुख में कोई फर्क पड़ता है। सुख आए तो वैसे ही, दुख आए तो वैसे ही। कबीर जैसे लोग आपने देखा होगा जिन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा संभाव में रहते हैं। तो यहाँ पर कवि यही बात कह रहा है कि मैं भी उसी संभाव में